आस्था के मेले में श्मशान का मंजर। मोक्ष के प्रवचन में मौत का तांडव। सत्संग का समापन, जिंदगी पर फुल स्टॉप। लाशों की कतार, दर्द बेशुमार। तस्वीरें ऐसी कि कलेजा चीर देंगी। किसी ने मां खोया, किसी ने बेटा गवाया, तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा ने हाथरस में सिकंदरा मऊ के फुलरई गांव में सत्संग का मेला क्या जमाया। बद इंतजामी की वजह से हुए हादसे में परिवार के परिवार उजड़ गए। जहां तक नजर डालिए अब लाशें बिछी नजर आती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लापता हैं उन्हें जिंदा में गिने या लाशों में खोजे। सत्संग मैया भैया वो एकदम जब गुरु जी उठ के चले गए और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे दो बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, और एक 9 साल को चोरा मेरो छाया 15 साल की। दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल। मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग का समापन था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर जितनी जगह थी उससे ज्यादा लोग जमा हो गए। कम से कम 50,000 लोग यहां मौजूद होने की बात कही जा रही। गर्मी के चलते इनमें से कुछ लोग बेहोश हुए, इसके बाद भगदड़ मच गई और जो लोग चपेट में आए वो मौत का शिकार होते चले गए। लाशें बिछती चली गई। जो कुछ घंटे पहले बाबा के भक्त थे अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए।